बहुत इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। बाबा बुढ़न शाह के नाम से है। यहाँ पर दरबार की रिचुअल्स हैं, काफी रस्म है बड़ी कि पहले सुबह दिन में तो चादर चढ़ती है। यहाँ पे कबड्डी हो रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, सब ठीक है? आज मोस्ट वेटेड डे है, मेला है पड़ा साहिवाल में, वहाँ पर हम जा रहे हैं और अब सुबह के तकरीबन 4:30 हो गए हैं। अभी वैसे हम निकलने वाले हैं, सारी रात सोई नहीं है, तैयारी करते रहे हैं। सामान सारा रख लिया गाड़ी के अंदर, तकरीबन 5 पेटियाँ रख ली हैं, डिग्गी बिल्कुल फुल हो गई है। बाकी मेरा एक बैग रहता है वो भी पूरा नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं वो कहाँ रखूँगा। गाड़ी ऑलमोस्ट फुल ही है, लेकिन फिर भी इसको फुल करवा लेते हैं। 2500 में फुल हो गई गाड़ी। टायर प्रेशर चेक कर रहे हैं यहाँ पर, सुबह होने वाली है और ये व्यू बहुत मजे का है। A few moments later पहुंचे चीचा वतनी, रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रुके हैं। चाय हमने ऑर्डर की है, चाय पी के फिर आगे निकलते हैं साईवाल को। आगे तकरीबन अभी आधा घंटा का सफर हो रहा है साईवाल का, और उससे आगे भी सफर करना है तकरीबन 1 घंटे का है, और फिर हम पहुँचेंगे रावी। चाय आ गई है, टेस्ट करते हैं कैसी है। क्या है, केक मक्खी तो डाले यहाँ से, फोन तो लगा हुआ है। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं रावी में, और ये काफ़ी मुश्किल रास्ता है। सारी हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, ये लमकाने वाले की गाड़ी है और दूसरी साई वालों वालों की गाड़ी। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा गांव, और मेला भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सारी शॉप्स और झूले वगैरह लगे हुए हैं, और ये सारा मेला लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर तो अभी सिर्फ झूले स्टार्ट हो रहे हैं, अभी आगे और भी मिठाई शॉप्स हैं। रास्ता भी बहुत ही ख़राब हुआ, बड़ा कीचड़ वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। गाड़ियाँ पार्किंग पे लगा दी हैं, और हमारे आने का तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, और ये हमारी हालत चेक करें, बहुत ही पसीना, बहुत गर्मी है भाई साहब, और हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। क्या देखो आगे हैं मेले पे, और चौधरी वकास क्या शर्मा क्यों रहे यार, आप शर्माने वाले तो नहीं थे यार? पता नहीं मजाक कर यार, ये जो आपने ब्रेसलेट पहना है ना बहुत अच्छा है यार, आप दिखाओ मुझे थोड़ा ऑडियंस को दिखाओ। वाह क्या बात है यार, ये हमने 2 पंखे लगाए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। दुआ करें कि बारिश आ जाए, उसके बाद थोड़ा सुकून आया हमें, गर्मी से बहुत परेशान होकर बैठे हैं, हम बाहर भी नहीं जा सकते। ठीक है, वकास को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है यार। वीडियो बना रहे हो, मजाक कर रहे हो? बना रहा हूँ यार, वीडियो व्लॉग बन रहा है आपका, आप हिट हुए पड़े हो यूट्यूब पे ना, ऑडियंस आपके वो उन्होंने कमेंट्स किए थे नीचे कि वकास को लेके आओ, वकास को लेके आओ। थैंक यू फॉर एवरीवन। चलिए यार थोड़ा ना फेस वॉश कर लें, उसके बाद फिर चलते हैं मेले के चक्कर लगाते हैं। आप आ गए हो ना, आपकी बहुत वेट करी थी ऑडियंस, बहुत ऑडियंस आएगी ट्रैफिक। हसनैन यार इसको स्टार्ट करना प्लीज, नलके को। की ड्रेनेज देखो कितनी मजे की, यहाँ पर ना नालियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छी ना, अंडरग्राउंड। वाओ नालियाँ देखो सारी ना अंडरग्राउंड, यहाँ पे नालियाँ जा रही है, पाइपलाइन बिछाई है। अब मेरे मुंह से कुछ और ही सुनेगा, ये कौन सा अंडरग्राउंड पाइप है? चल मुंह धो, कब का धोया हुआ है अभी? बता दे भाई, वैसे लास्ट टाइम पिछले महीने धोया था फर्स्ट स्ट्रेट को। गरीब आदमी की पहली निशानी पता है क्या है? आपने आज भी पहने, मैं गले में नहीं पहन सकता। ये भाई मैंने ऑलरेडी सुबह का पहना हुआ है। अच्छा। ये मैंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया हाथ में पहनने वाला। आप भी धो लो, पता नहीं कब से धोया है। इस बार यार ये ड्रैगन बोर्ड भी है यहाँ पे, ड्रैगन बोर्ड आई है। उसको थोड़ा इसकी ओपनिंग करो, ड्रैगन बोर्ड भाई चक्कर आ जाए, वो अनबॉक्सिंग करो ड्रैगन बोर्ड। फिलहाल ना आप व्लॉग बनाओ, चेकिंग बाद में करेंगे, गर्मी हाँ अभी यहाँ पे धूप है, धूप से हटके होता ना। ये लोहे सारे गर्म हो पड़े यहाँ पे, ये बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, ये पीछे सारा दरिया लगा हुआ है। अभी बिल्कुल खुश्क है यार ये, इस बार ये खुश क्यों है यार, हर मेले पे बहुत ज़्यादा होता है पानी इसमें। वो एक्चुअली थोड़ी सी बारिशें कम हुई है, दूसरा ये कि इंडिया ने पीछे डैम बना लिया इस दरिया के ऊपर, तो पानी रुक गया है, अब बारिशें होगी तो फिर पानी आएगा। अच्छा। पहले तो इंडिया की तरफ से डायरेक्ट आ रहा था।
सही है। पानी तो पहले तो यहाँ तक ही सारा पानी होता था, यहाँ पर ये बोट लग भी नहीं सकती थी कभी भी, इस बार मछलियों पे बैठ के स्विमिंग करते थे। यार आप भी व्लॉग में आ जाओ, यूट्यूब पे व्लॉग्स देखते हो मेरा, नेट आ रहा है आपका? मर्जी यार आप ये मेरे व्लॉग्स नहीं देखते आप। पहली बात है भाई इधर गर्मी बहुत है तो यहाँ पे नहीं, आप घर बैठ के देख रहे हैं ना। अभी आप चैनल सब्सक्राइब करो, यहाँ पे यूट्यूब खोलो। हाँ बोट से फ्लाइट आ चुकी है, आ गए हैं लाहौर वाले मुसलमान लोग भी आ गए हैं, उनको ऐसे ही हम व्लॉग में ले लेते हैं, उनकी थोड़ी सी ना वेलकम हो जाएगा। हमें चलाना है शाम को ये ट्यूबवेल यार, ये तो बहुत इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है भाई, इसमें नहाएंगे हम नहीं फिर। हाँ। इसकी तो हालत बहुत ख़राब लग रही है, लेकिन ये जब चलेगा उस पर ठीक हो जाएगा और साफ पानी आएगा सारा, लेकिन पानी साफ आएगा ये बहुत अच्छी बात है आपने। हाँ अब आप ना बाद में क्यों करो, मैं देखा था छोड़ो, मैं कह रहा हूँ साफ आएगा। अच्छा लेकिन पानी साफ आएगा। चलो अंदर बैठते हैं, थोड़ी यहाँ पे छांव भी है। बच्चों को बहुत गर्मी लग रही थी, थोड़ा गाड़ी कैसी चलाया और ये तो सपाटर सो गया है, पीछे एंजॉय कर रहे हैं एसी। गाड़ी कैसी चल रहा है, कैसे बैठे हो आप लोग? बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल, इजी पीजी, सुकून कर रहे हैं एसी में, चिल कर रहे हैं। मैं भी लगा सोने और फिर उठ के फिर शाम हो जाएगी, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, फिर हम निकलेंगे बाहर घूमने के लिए। बस अब क्या करना है यार, ट्यूबवेल तो स्टार्ट हो नहीं रहा यार, उधर ना बच्चों को पानी से निकला के लाते हैं, पानी नहीं। मैंने तो उनको यार बच्चों को एक घंटा एसी में बिठाया, तब जाके उनका थोड़ा होश आया। यही आखिरी इसी पे चलते हैं, दे दो किसको, अब बस बैठने के काबिल बने। शाम हो गई है, अब हमारी देख बन रही है, पता करते हैं कितनी देर है उसको, ये देख बना के हमने बांटनी है। ये यहाँ पर हो रही है देख तैयार, ये चावल हैं और मसाला। कितना टाइम लगेगा? एक घंटा लगेगा देख तैयार होने में। दरबार बाबा बुडन शाह के नाम से है, यहाँ पर दरबार की रिचुअल्स हैं, काफ़ी रस्म है बड़ी, कि पहले सुबह दिन में तो चादर चढ़ती है दरबार के ऊपर, क्योंकि दरबार का जो है मेला है, फिर कबड्डी होती है, शाम को कवाली वगैरह होती है। इस टाइम कबड्डी स्टार्ट हो गई है, हम चल रहे हैं कबड्डी दिखाते हैं आपको कैसी होती है। यहाँ पर कबड्डी हो रही है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है लोगों का, और यहाँ पर तकरीबन दो पार्टीज होती हैं जो आपस में कबड्डी खेलती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगा। ओह माय गॉड भाई, मत आप भी आए हो, क्या बात है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बहुत एंजॉय, आप कब आए हो? अभी आया, अभी भी पहुँचे हो, चाय पानी खाए, खाना पीना किया, ठीक है आओ। शाम का टाइम है, काफ़ी रश लग गया है, झूले चल रहे हैं यहाँ पर और ये सारी आवाम कबड्डी देख रही है। देख बन के आ गई है, अभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घरों में और लोगों में भी तकसीम करना है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम। देख अब रेडी हो गई है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। यार एक मिनट ना, एक मिनट पीछे हो जाओ हाली तुम्हें मिलन गए, दो मिनट रुक जाओ, तुम इसमें डालना थोड़ी। रात हो गई है, काफ़ी थकावट हो गई है, सारा दिन चल चल के और नींद भी काफ़ी आई है, लेकिन आपकी वजह से जागना पड़ रहा है क्योंकि अभी मेला ख़त्म नहीं हुआ और अभी कवाली रहती है, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी बीच में, कवाली हो रही है तो अभी आपको वो दिखानी है, उसके बाद फिर सुकून से सो जाऊँगा। ये शॉप्स लगती हैं यहाँ पे मेले पे, ये यहाँ पर टॉयज वगैरह और कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ट्यूबवेल चलवाने के लिए, अब उन्होंने बंद कर दिया यार, ट्यूबवेल चलाओ यार, क्यों डीजल है नहीं अभी यार, रोड भी बहुत ख़राब है, बस इतना सा यार, इसको स्टार्ट करो यार जल्दी से, नहीं होगा हमने ना, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये पकड़ो मैं ना चेंज कर लूँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, चलो पाए चलो। A few moments later, नहाने के बाद हम यहाँ बैठे हैं ट्यूबवेल दरख्त के नीचे, बहुत मजे की यहाँ छाव है, सुकून वाला माहौल है यहाँ क्योंकि बहुत ही गर्मी है, सुकून वाला माहौल, सुकून वाला माहौल।
अभी फिर है वकास ने हमें चिकन वाले पकौड़े खिलाने हैं, वो भी खाऊंगा मैं और फिर इंजॉय करेंगे। हाँ खाऊंगा। यहाँ पर ना कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, बहुत मज़े मंगवाओ। फिर आसिफ को कॉल करते हैं। हाँ कॉल करो किसी को यहाँ पे ना, कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे आया ना फिर ज़्यादा मज़े आए। स्कूल से इसका नंबर नहीं मिल रहा, किसी और को करना, कोई डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। हम कॉल करें यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आ जाए, यहाँ पे सुकून है यार। दूसरी कॉल मैंने कर दी। नहीं क्या बात है यार, ये सब बहुत अच्छा किया। मैंने कहा था ना एक 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 फोन कॉल के ऊपर कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, और ये है भी एक नंबर ड्यू। वाइन वाला वाह, ये नीचे गिर जाता ना बेटे, इसी गिलास में तुझे मैंने पिलाना था यार। ना कर पागल हो गया तू। अबे साले एक्टिंग बाद में कर ली। ये ले बात बोतल डाल, ये देखो माउंटेन ड्यू यहाँ पे ये मिलती नहीं है वैसे। हमने बहुत दूर से मंगवाई है, शहर से मंगवाई है कोल्ड ड्रिंक। ये भाई लेके आए हैं, मेरा कज़न है, और डालो भाई। नो भाई को तो यार मोटरसाइकिल चला के आए प्यास ले, तू पहले पी ले। ये 5 मिनट और ना आता ना तो मैं गया था। खत्म। तू वैसे भी चला जा, अभी भी चला जा, मैं तो कहता हूँ। मैं जाऊँ? नहीं ये देख के जा, यहाँ जगह भी नहीं है यार, यहाँ से कैसे जाएंगे। वो गांव हमने पीछे छोड़ दिया, हम यहाँ पे दरिया पे हैं, शायद बारिश के इम्कान भी हैं। आगे चलते हैं यार, थोड़ा आगे देखिए कितना पानी खड़ा है। इस साइड पे भी देखते हैं ये क्या चीज़ है। इसी क्या शहरी साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, यहाँ से जंप कर लिया, क्रॉस कर लिया। विकास मुझे खिलाएगा पकौड़े और साथ में फलूदा पिलाएगा। यस वेरी गुड वेरी गुड। आजू आजू जी, ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी चैलेंज कंप्लीट हो गया, बराबर हो गया। आ जाओ विकास, आ जाओ। कुछ भी नहीं है, बहुत कम पानी है। मेरा मोबाइल दे दो पहले, उसके बाद गिरना। सीधा यार, खाना लग गया, जल्दी कर, सीधा हो जा, खाना खा ले, अभी खा गया, और भी खा ले, और शिफ्ट लगा ले, यही काम है तेरा। मेरे चिकन पकौड़ा खाना है। भूल जा, सब खत्म हुआ पड़ा है। चिकन पकौड़ा खिलाना है तो बता, नहीं तो डालने के नहीं। ये भी चिकन ही है, वही खा, इसमें पकौड़ा नहीं है। दो ही बाजार लगते हैं टोटल, और हर साल होता है, सावन की 5 तारीख को होता है। रैंडमली डेट्स बनती है, जैसे जुलाई के किसी मंथ में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग मेरा लाजमी देखें। नेक्स्ट व्लॉग में हम कुछ चैलेंजिंग करने वाले हैं, सब शॉप्स पर जाके हमने चीज़ें खानी है, ट्राई करनी है उनका, भाई क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ। अभी तक 10-11 बजे हैं, लेकिन मुझे बहुत नींद आई है, थकावट हुई है, क्योंकि सुबह से कल रात को भी नहीं सोए, ट्रैवल किया है सारा दिन, जागे भी, चलते फिरते रहे हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है इस बार, तो इंतहा हो गया गर्मी की, क्योंकि अभी इस टाइम भी इतनी गर्मी है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, और बहुत ही मुश्किल हुई है। 2-3 दफ़ा में गाड़ी में बैठना पड़ा है इसी पर, फिर जाके स्कूल मिला, और तकरीबन 5 से 6 बार तो नहा चुके हैं। नेक्स्ट लोग यहाँ से लगाते होगी, तब तक के लिए खड़ा हम यहाँ से ना थोड़ा गाड़ी पे पानी शानी मार रहे हैं, यहाँ से पाइप लेके। गाड़ियाँ रेडी हो गई हैं, बस अभी अंदर सामान रखना है, और फिर हमने निकलना है वापस घरों को। बस ज़्यादा नहीं साफ़ किए, सिर्फ विंड स्क्रीन साफ़ किया, ताकि फिर स्क्रीन अच्छे से नजर आए, क्योंकि अभी जाते जाते फिर वैसे हालत हो जानी थी गाड़ी की।